टीचर जब स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी उन बच्चों में बैठी एक भूतिया लड़की उसे मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देती है। जब टीचर पीछे मुड़कर देखती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। टीचर को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वह फिर से एक बार बच्चों को पढ़ाने लगती है, लेकिन तभी भूतिया बच्चे हवा में उड़ते हुए टीचर के पास आने लगते हैं। टीचर को घबराहट होने लगती है। वह जैसे ही और एक बार पीछे देखती है तो सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। डर के मारे टीचर वहां से भाग जाती है। उसे लगता है क्लास में बैठे भूतिया बच्चे उसे मरना चाहते हैं। फिर वह एक तांत्रिक के पास चली जाती है। तांत्रिक उसे भूत को मारने के लिए एक हथियार देता है। फिर टीचर जल्दी से उस हथियार को लेकर स्कूल में आ जाती है और सभी भूतिया बच्चों को एक एक करके मारने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आकर टीचर को इरेज कर लेती है, क्योंकि टीचर को अपने क्लास के सभी बच्चे भूतिया लगते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। असलियत में टीचर ने सभी बच्चों को भूत समझकर मार दिया था।